अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत एक्सपो सेंटर लाहौर से बीटीवी न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है प्रिंट पार्क पाकिस्तान। अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रिंट पार्क का प्रिंटिंग और पैकेजिंग की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एग्जीबिशन और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान में, अगर प्रिंट मटेरियल की बात कर लेते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल से हट के अगर पैकेजिंग मटेरियल की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान खासा आगे दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रिंट पार्क 2019 नई उम्मीदों के साथ यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर में शुरू हुआ है। इससे पहले भी बड़े रिजल्ट्स सामने आते रहे, हर दो साल के बाद प्रिंट पार्क पहले एक दो साल के बाद कराची और दो साल के बाद लाहौर में मुनक्किद होता है। ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर में प्रिंटिंग और पैकेजिंग मटेरियल से वाबस्ता मुख्तलिफ कंपनीज़ ने की हुई है, मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू हुई। आज इसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट इवेंट है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाना है और ये वो शोबा है कि जो बेरोज़गारी के खात्मे में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान में रोज़गार मुहैया करने के हवाले से भी इस डिपार्टमेंट का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो प्रिंट पार्क प्रिंटिंग मटेरियल हो या पैकेजिंग मटेरियल हो, पाकिस्तान में ख़ास अहमियत का हामिल है। बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है, मुख्तलिफ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि हमारी अपनी मशीनरीज दुनिया में टॉप क्लास हैं लेकिन हमें एक्सपोर्ट में उस तरीके की आज़ादी नहीं है जो होनी चाहिए, हालाँकि इम्पोर्ट बासानी कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट का शोबा एक ऐसा है कि जिस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अंदर हो रही हैं, मुख्तलिफ मशीनरीज़ यहाँ पे लाके रखी गई हैं। कुछ पाकिस्तान की मशीनरीज़ हैं, कुछ बाहर की मशीनरीज़ हैं। प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान बहुत टॉप पे दिखाई देता है, इस सेक्टर को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है। चलें फिर अंदर भी चलते हैं कि क्या कुछ हो रहा है प्रिंट पार्क 2019 में। इम्प्रेशन ऑफ लाइफ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एग्जीबिशन प्रिंट पार्क 2019 इम्प्रेशन फॉर लाइफ आज 22 से 24 नवंबर तक होना है। आज 22 तारीख है तो फिर इस इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह हो चुका है। एक्सपो सेंटर लाहौर का हॉल नंबर 1 जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। और अगर मैं इस इवेंट के स्पॉन्सर्स की बात कर लेता हूँ जो लोग साथ साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर पैप गई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, जिसको सपोर्ट किया है एशिया प्रिंट ने, जबकि इवेंट मैनेजर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस साथ साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं तो प्लैटिनम कैटेगरी में डॉन पेपर मार्ट दिखाई देते हैं, पेपर किंग दिखाई देते हैं, जबकि डायमंड कैटेगरी में सेंचुरी दिखाई दे रहे हैं, ज़ुरक्स दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड स्पॉन्सर्स में CPP बाऊ ब्रदर्स, कोनिका, माइनोल्टा और IBM यहाँ के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं, जबकि सिल्वर स्पॉन्सर्स में कलर एंड कंफर्ट, जबकि JK, ये तमाम के तमाम लोग जुड़े हुए हैं प्रिंट पार्क के साथ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खासा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए और रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए ये इवेंट खासा इम्पॉर्टेंट दिखाई देता है। प्रिंट पार्क 2019 का आज बाकायदा आगाज़ हो गया यहाँ एक्सपो सेंटर लाहौर में। और अब हम चल रहे हैं उस हॉल की जानिब के जहाँ पर तमाम के तमाम एग्जीबिटर्स बैठे हुए और वो अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचें। तो आइए चलते हैं फिर हॉल में।
प्रिंट पार्क 2019 कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए? देखिए जी, ये प्रिंट पार्क जो है ये बेसिकली प्रिंटिंग, ग्राफिक और पैकेजिंग से रिलेटेड ये सारा सिलसिला है, और ये कुछ तो जो है मेनली तो ये पैकेजिंग के लिए काम कर रहे हैं, और यही पैकेजिंग मटेरियल जो पहले से बाहर से इम्पोर्ट होता था, अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइप की जो फिल्म जो है वो पाकिस्तान में बन रही है, जिसमें BOPP है, BOPET है, CPP है, PVC है, PE है, और इस टाइप के बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, फिर पेपर प्रिंटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, फर्दर मौजूद है, इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, और गवर्नमेंट अगर इस सनत का कुछ थोड़ा सा ख्याल करे तो इस सनत से की बदौलत हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी कमा सकते हैं। और एक जो गिला इस सनत का बहुत पुराना और बड़ा जायज़ है कि जो बाहर से जो बुक्स आ रही हैं, सिलेबस की जो बुक्स आ रही हैं, वो ड्यूटी फ्री आ रही हैं, मेरे तमाम रॉ मटेरियल्स के ऊपर ड्यूटी है। ये एक तजाद है, दिस इज़ अ कंट्रडिक्शन। वी हैव टू प्रोटेक्ट आर लोकल इंडस्ट्री। इल्म के नाम पर इंडस्ट्री का गला नहीं काटा जा सकता। उसकी रीज़न ये है कि सारी दुनिया में हर मुल्क अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है, अपनी जॉब्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें भी उसी डगर पर चलना होगा। बाकी अंडर वन रूफ जब भी एग्जीबिशन होता है, जितने भी उस फील्ड के प्लेयर्स होते हैं उनके लिए देर इज़ अ लॉट टू लर्न, और वो क्योंकि अंडर वन रूफ मशीनरी सप्लायर्स भी होते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स भी होते हैं, प्रिंटर्स भी होते हैं, और फिर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ होती है जॉइंट वेंचर्स की, तो इस किस्म की बहुत सारी एवेन्यूज़ फर्दर ओपन होते हैं, और जो दुनिया में जो नए काम हो रहे हैं उसके मुतलक भी आपको पता लगता है कि यस, कि ये एक डायरेक्शन है जो हाँ अब तक अभी नहीं पहुँचे और इसको भी हमने फुलफ़िल करना है। बाहर जब एग्जीबिशन होते हैं उसमें ये होता है कि आपका एक कंपनी का एक आप डायरेक्टर बाहर जाता है, लेकिन जब एग्जीबिशन आपके मुल्क में होते हैं तो आप अपने सीनियर टेक्नीशियंस को भी लाते हैं, सेल्स टीम्स को भी लाते हैं, मैनेजमेंट को भी लाते हैं, तो आप सबको सीखने का मौका मिलता है, और सारे जो हैं वो समझ रहे होते हैं कि व्हाट नीड, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर देयर इंडस्ट्री टू मूव फॉरवर्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये एग्जीबिशन जो हैं उनका एक अच्छा एक रोल है टू प्रमोट द लोकल इंडस्ट्री। ये सब जैसे आपने बात की कि अगर बाहर से किताब छप के आ जाती है तो वो सस्ती पड़ रही है, पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा आपने ड्यूटी लगाई हुई है कि जो मटेरियल आता है वो ज़्यादा महंगा हो गया, आपकी सजेशंस क्या है? बहुत सारे लोग तो पैप गई के और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हुकूमत से मिलते रहे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के लिए कुछ आपकी सजेशंस के क्या करना चाहिए? देखिए जी, पहले भी ये प्रीवियस गवर्नमेंट में ये सारा सिलसिला हुआ था, और ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से उनके मुफादात को प्रोटेक्ट किया गया। हमारे मुल्क की अपनी हमने सनत बंद करके बाहर की मुल्क की प्रोडक्ट यहाँ नहीं बेचनी, और ये सिलेबस और ये सारी बुक्स पाकिस्तान में पहले पब्लिश होती थी, अब हमने पब्लिशर्स को बाहर कर दिया है, वो कातिब जो हर चीज़ को एक अच्छी खासी वर्क फोर्स होती है किताब को छापने के लिए, हमने सबको बेरोज़गार नहीं करना। सो वैल्यू एडिशन भी यहीं करनी है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहीं करनी है, तो हर सूरत हमें ये वारा ही नहीं खाता कि बाहर की दुनिया को हम इनक्रेज करें और अपनी इंडस्ट्री को बिठाएँ। थैंक यू मियाँ साहब। सर, कितना इंपॉर्टेंट लगता है आपको पाकिस्तान की मईशत के लिए ये पैप गई 2019? देखिए, मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के बाद जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट दे रही है, टैक्स दे रही है, और जो इम्पोर्ट का जो मुतबादल वो दे रही है, वो ये प्रिंटिंग, पैकेजिंग और पेपर इंडस्ट्री है। और आज जो मैं यहाँ पे देखा है कि जो हमारी इंडस्ट्री ने, प्रिंटिंग इंडस्ट्री ने पैकेजिंग डेवलप किया है, आज जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, सबको लोकल कंपनी ही मटेरियल सप्लाई कर रही हैं, तो बहुत स्कोप है, और पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री ने। मैं समझता हूँ कि उनकी जो रुकावटें हैं, खासतौर पर हमने देखा कि इंक के सिलसिले में जो लोकल मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको रुकावट आ रही है, और पेपर की इम्पोर्ट आपने देख लिया कि प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटेड मटेरियल सस्ता आ रहा है और पेपर महंगा यहाँ पे दस्तयाब है। छोटी छोटी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इसको रिजॉल्व करती है तो बहुत पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान की प्लास्टिक प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये ग्रो करेगी, और इससे जो आपकी वैलिडेशन भी होती है, इससे आपको जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट बहुत ज़्यादा करती है, तो जो देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये बहुत कामयाब इवेंट है, मैं तमाम ऑर्गेनाइजर जो यहाँ पे प्रिंट पैक है इनको मुबारकबाद देता हूँ, और ये कोशिश जारी रहनी चाहिए। डॉक्टर एस एम मिनाजुद्दीन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रिंट पार्क का जो आइडिया था, आज 2019 में कहाँ तक पहुँचा? देखिए, ऐसा है कि ये एग्जीबिशन तो 1990 से हो रहे हैं, और ये लास्ट एग्जीबिशन जो लाहौर में हुआ था वो 2015 में हुआ था, और
और उसके बाद कराची में 2017 में एग्जीबिशन हुआ। तो ये तो एक कंटिन्यूस दो दो साल बाद एग्जीबिशन होते हैं, अल्टरनेटिवली बिटवीन लाहौर एंड कराची दो दो साल के वक्त के साथ। प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पाकिस्तान में एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से सेकंड बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी टेक्सटाइल है, उसके बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री है। लेकिन इसके कुछ मसाइल हैं, कुछ इसके वो हैं, अगर वो मसाइल हल कर दिए जाएँ तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत रोज़गार प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है, और इस्पेशली अगर इसका रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए तो इसके रोज़गार के मौके जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वो सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर, और वो पॉलिसीज़ जो हैं वो अगर चेंज हो जाएँ तो पाकिस्तान की जो प्रिंटिंग की सनत है उसको बहुत फ़र्ग मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्ग मिलेगा। डॉक्टर साहब, वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं कि जिनका चेंज होना ज़रूरी दिखाई देता है, ख़ासकर एक्सपोर्ट का डिपार्टमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिखाई देता है? उसकी जो बेस, एक जो बेसिक वजह यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल है प्रिंटिंग का वो बेसिकली पेपर है, और पेपर जो है वो पाकिस्तान में दुनिया में सबसे महंगा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है जिस पे पेपर पे ड्यूटी जो है वो तकरीबन ड्यूटी और टैक्सेस का इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा आता है, और ये एक प्रिंटिंग सनत की एक डेथ पॉलिसी है। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि यहाँ चंद पेपर मिल हैं, वो अपना मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ये पॉलिसी बनाई हुई है। हम कई साल से इस कोशिश कर रहे हैं NTC में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, सो मच सो कि इस साल तो फाइनेंस बिल में पेपर पर ड्यूटी कम होने का आ गया, लेकिन जब फाइनेंस एक्ट हुआ तो उसके अंदर चेंज हो गई। तो यहाँ जब तक गवर्नमेंट में इंटरेस्ट ग्रुप्स पॉलिसी ड्राइव करते रहेंगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिसी के स्टेयरिंग करते रहेंगे, जब तक अवामी पॉलिसी नहीं बनेगी जिसके अंदर अवाम को वो, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ प्रिंटिंग इंडस्ट्री, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी ऐसी यानी कि रोज़गार के मौके हैं जिसको नुकसान हो रहा है चंद मखसूस ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। मीनाज साहब, अगर चंद मखसूस ग्रोह को फ़ायदा पहुँचाने की बात हो रही है तो पैपगई का कोई रोल है, या वो अब भी पैपगई के साथ मुंसलिक हैं वो ग्रुप? नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि पैपगई उस की कोशिश यह है कि वो प्रिंटिंग की सनत को फ़रोग दे, लेकिन यहाँ प्रिंटिंग की सनत फ़रोग इस दे नहीं पा रही। आप थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश करें, प्रिंटिंग की सनत इसलिए फ़रोग नहीं पा रही कि यहाँ पेपर दुनिया में सबसे महंगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर पर ड्यूटी ज़्यादा है, और उसका नतीजा क्या है कि पेपर के ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से प्रिंटेड मटेरियल जो है वो बाहर से भी छप के आ रहा है। यानी इस वक्त अगर आप किताब कोई 10,000-20,000 से ज़्यादा छपाना चाहें तो आप बाहर से उसे छपा के सस्ती मंगवा सकते हैं, क्योंकि पेपर प्रिंटेड मटेरियल पे ड्यूटी नहीं है। लेकिन वही बुक अगर आप यहाँ छापना चाहेंगे तो उस पर ड्यूटी ज़्यादा है, यानी उसके रॉ मटेरियल पर ड्यूटी ज़्यादा है। तो नतीजा ये है कि अगर आप एक पब्लिशर हैं, कोई आप कोई ज़्यादा तादाद में छपाना चाहते हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप उसको बाहर से छपा के मंगवा लें, क्योंकि आपको सस्ती पड़ेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर कम मिले। तो ये पॉलिसी जो है जब तक रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम नहीं होगी, जब तक रॉ मटेरियल सस्ता नहीं मिलेगा, इस सनत को फ़रोग नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि जो पेपर का कंजम्पशन है वो इस रीजन में सबसे कम है, 7-8 kg पर कैपिटा है, जबकि इंडिया में 12 है, UAE वगैरह में 36 है, और यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना में इस वक्त ऑलमोस्ट 80+ के करीब कंजम्पशन है। तो ये उस वक्त ही बढ़ेगा जब हमारे लिए ये जो रॉ मटेरियल है वो जब तक सस्ता नहीं होगा, प्रिंटिंग की सनत को वो फ़रोग हासिल नहीं होगा जो इसका पोटेंशियल है। और सर, जिस तरीके से सी पैक का प्लान हो रहा है, और ऑलरेडी आपने जैसे बताया कि सेकंड लार्जेस्ट हैं आप लोगों को रोज़गार देने के लिए, तो ये जो चाइना सी पैक की बात चल रही है, तो सर इससे कोई फ़ायदा होने जा रहा है फ्यूचर में हमें? देखिए, सी पैक का जहाँ तक प्रिंटिंग की सनत है उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा तो होगा डेफिनेटली, जो भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगेंगी उनको प्रिंटिंग की जो ज़रूरियात हैं उसको लोकल इंडस्ट्री जिस हद तक पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन एज सच डायरेक्टली प्रिंटिंग पैकेजिंग के अंदर सी पैक कोई इतना इन्वॉल्व नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा हैं। तो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सनत में ऐसा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सी पैक में कम अज़ कम मैंने तो नहीं सुना अभी तक इसका। 2019 में कहाँ खड़े हैं पैपगई? देखिए, पैपगई जो है वो तो एक तरह की प्रिंटिंग सनत की एक नुमाइंदा जमात है। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि
इस वक्त प्रिंटिंग की सनत को अगर एक्सपोर्ट का मौका मिल जाए पाकिस्तान का, जो इस वक्त नहीं है, वो उसी सूरत में हो सकता है कि अगर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगी जब आपका ड्यूटी स्ट्रक्चर या पेपर पे जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो जब तक सही नहीं होगा, ये चीज़ एक्सपोर्ट के मौके हमें नहीं मिलेगा। हम तो उल्टा इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई बाहर से किताब छपाना चाहेंगे तो वो सस्ती पड़ जाएगी, लेकिन उसी किताब का अगर आप पेपर यहाँ ख़रीद करके छापेंगे तो वो महंगी पड़ेगी। तो ये एक आयरनी है और एक एनोमली है इस पॉलिसी की, जिसके लिए हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर है पेपर मिल्स की लॉबी जो हैं वो इस पॉलिसी को चेंज होने नहीं देते। जो चेंज होने नहीं देते सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि ये सनत और हुकूमत से जो आपके मुज़ाकरात हुए इस सनत को बेहतर बनाने के लिए, वो कहाँ तक पहुँचे? देखिए, हुकूमत से तो हमारे मुज़ाकरात कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ जो पॉलिसीज जो हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप ड्राइव करते हैं, जो पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं वो इस मुल्क की जो भी पॉलिसीज़ है ना उसको कंट्रोल करते हैं। और वो इसके अंदर सिर्फ पेपर की सनत नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी सनतें इन्वॉल्व हैं, मैं उसको ज़्यादा उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन बेसिक मसला ये है कि जब तक आवाम के इंटरेस्ट की पॉलिसीज नहीं बनेंगी ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर एस एम मिनहाजुद्दीन साहब को आपने सुना, जो पैट्रे ने पैप गई के, फॉर्मर चेयरमैन ने पैप गई के, जिन मसाइल की निशानदेही की है ये करते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ थोड़ा सा ढके छुपे अंदाज में इन्हें करना पड़ता हो, कारोबारी सनत से वाबस्ता है, लेकिन समझने की ज़रूरत दिखाई देती है। एक ऐसा प्रोफेशन जो पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट है रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए, और इमरान खान साहब का जो विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना है, तो फिर इस प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, उसी सूरत में फिर ये पनपेगी और उसी सूरत में पाकिस्तान की मईशत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकेगी। प्रिंट पार्क 2019 एक ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस, एक ऐसी इंडस्ट्री है प्रिंट की, अगर हम बात कर लेते हैं, जो दूसरे नंबर पर लोगों को रोज़गार फराहम कर रही है और इंटरनेशनली इनका काम बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इस वक्त चैनमिंग ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर माइकल, जो मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। गुड इवनिंग मिस्टर माइकल। गुड इवनिंग मिस्टर माइकल। एंजॉयिंग हियर इन पाकिस्तान? यस, आई रियली एंजॉय स्टेइंग इन पाकिस्तान नाउ। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट दिस प्रिंट पार्क 2019, हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर द पीपल ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान, पीपल ऑफ चाइना टू। For this exhibition, actually this is the first time I came here for exhibition, so we are very happy to be here. It's the first time we came to Pakistan to have a store at the support with the support from our partner UNICEF of paper. अली साहब, कैसी आपकी पार्टनरशिप है माइकल और चेयरमैन ग्रुप के साथ? इस्लाम से वन थिंग, मैंने वो यंग है इन कराची, राइट, मैं गो टू द स्कूल, आवर टीचर यूज टू से स्टैंड अप इन द मॉर्निंग, चाइना इज आवर बेस्ट फ्रेंड, दे शोइंग अ लॉट फ्रॉम नथिंग, दे बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर पल्प एंड बोर्ड इन चाइना विद 10 million tons, सो दे आर सपोर्टिंग अस अ लॉट विद अ बेटर प्राइसिंग स्पेशली फॉर पाकिस्तान, सो दे आर शोइंग द रियल फ्रेंडशिप टू पाकिस्तान। देन पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, 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 यस, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चाइना वैसे भी पाकिस्तान का जबरदस्त फ्रेंड, और अगर चैनमिन ग्रुप और यूनिसेल पेपर की बात कर लें तो ये मिलकर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए अपना इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रिंट पार्क ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी दिखाई देती है कि कुछ बड़े काम हों? जो प्रिंट पार्क है ये बेसिकली हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को और पेपर ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और ये दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ही ये दूसरे या तीसरे नंबर की इंडस्ट्री में आता है, और ये एग्जीबिशन जो हैं वो मुल्क की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। और प्रिंट पार्क से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट इस वक्त प्रिंटिंग के अंदर ही लगा है, और लेटेस्ट 2018, 2019, 2017 ब्रांड न्यू मशीन लोग लेके आए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट की है, और ये बेसिकली जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम होती है, इसलिए नौकरी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलती है और न्यू टैलेंट इसमें हंट होता है। तो मेरे ख्याल में पैप गाई की ये बहुत ज़बरदस्त कोशिश है,
और बीइंग अ डॉन पेपर मार्ट और डॉन कन्वर्टेक हमारा कन्वर्जन है पेपर का और हम समझते हैं कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस एंड वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इकॉनमी एंड एक्सपोर्ट अगर इसको तवज्जो दी जाए तो एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त है और हमारे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 300 से ज़्यादा लोकल मिलें मैनुफैक्चर कर रही हैं पेपर एंड पेपर बोर्ड तो मेरा ख्याल है कि ये सबको एक्सपोजर मिलता है और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने किया है। आपने जैसे एक्सपोर्ट की बात की और पैपगई की बात करते हैं जो भी वो अपना रोल प्ले करते हुए आ रहे हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के कोई एक सजेशन आपकी जानिब से अबाउट एक्सपोर्ट? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों में कोई कमी है जिसकी वजह से अभी तक हम हुकूमत पाकिस्तान को सही तरीके से समझा नहीं सके वरना मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो इमरान खान के अंडर जो कैबिनेट है जिसमें रज़ाक दाऊद हैं जिसमें शब्बर ज़ैदी हैं जिसमें हमाद अज़हर हैं ये लोग ना समझें इस बात को और इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये बात को सुनते हैं। तो इस वक्त जो इंपोर्ट कर जो बुक्स इंपोर्ट की जाती हैं उनके ऊपर जो है ड्यूटी नहीं है और पाकिस्तान में जो पेपर आता है उसके ऊपर ड्यूटी है। इसको कोई ऐसा इक्वलाइज करना चाहिए कि यहाँ से हम प्रिंट करके कंपेटिटिव हमारी प्राइस हो और हम एक्सपोर्ट कर सकें और हमारे पास क्वालिटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। शहजाद साहब और अगर मशीनरी की बात कर रहे थे हम प्रिंटिंग और पैकेजिंग की मशीनरी पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं दीगर ममालिक से हम कहाँ हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे हैं जैसे सहमा पैकेजिंग ले लें आप यकीन आर्ट ले लें आप वासा प्रिंटर्स आप ले लें और लाहौर में विजन प्रेस आप ले लें ये ऐसे इदारे हैं कि ये वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर आते हैं और मेरिट पैकेजिंग ले लें आप लेक्सन ग्रुप की ये कंपनी है तो ये इदारे ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं भी आप ले जाएँ वो ए ग्रेड कैटेगरी है ए प्लस ग्रेड कैटेगरी है तो इसलिए हमारे यहाँ प्रिंटिंग कैपेबिलिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीनरी भी हमारी वर्ल्ड लेवल की है? वर्ल्ड लेवल नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक में तो ऐसी मशीनें ही नहीं हैं जो नई मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ईजाद होती है हेडलबर्ग की या आप ये कह लें कि दो ही कंपनियाँ दुनिया में जो नंबर वन प्रिंटिंग में गिनी जाती हैं और दोनों की जो मशीनें हैं वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है बल्कि सबसे बड़ी मशीन हमारे कराची के ऑटोटैक हैं जो शायद उनकी जो सबसे बड़ी मशीन जो उन्होंने बनाई है हेडलबर्ग ने सिर्फ पाकिस्तान नंबर वन है जिसने पहले माल खरीदी है तो मैं तो ये कहता हूँ कि और वो नए हैं इस प्रिंटिंग इंडस्ट्री में लेकिन वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बिजनेस रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। आप प्रिंट पार्क 2019 के प्लेटिनियम स्पॉन्सर भी हैं तो क्या तवक्कुआत आपको इस प्रिंट पार्क से हैं 2019 से? हम कराची में 2 साल पहले उधर भी प्लेटिनियम थे और इधर लाहौर में भी प्लेटिनियम और इंशाल्लाह जब 2 साल बाद कराची में होगा उसमें भी होंगे अल्लाह ने चाहा तो। बेसिकली यहाँ मैं समझता हूँ कि दिस इज़ बिगर मार्केट देन साउथ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरे पंजाब से लोग आएँ तो इसके फ़वाद बहुत ज़्यादा हैं और ये होती रहनी चाहिए और 2 साल बिल्कुल ठीक अर्सा है इससे जल्दी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नेचुरली इसमें इन्वेस्टमेंट होती है इसमें टाइम कंज्यूम होता है तो लोगों का फुटफॉल बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनको प्रमोट करना चाहिए छोटे शहरों में ताकि छोटे शहरों से लोग आएँ और पंजाब के जो छोटे गांव गोट हैं उसके अंदर या छोटे टाउन्स हैं वहाँ के लोगों का आना और वहाँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री का लगना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एसएम नसीरुद्दीन साहब पैपगई एक मरतबा फिर प्रिंट पार्क कराने में कामयाब हुए 2019 के इस एडिशन को किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा एडिशन है ये एडिशन हम इसको और अच्छा करना चाह रहे हैं। नवंबर 2021 में हम कराची में कर रहे हैं इसको आप देखकर और इसको इन्हेंस करेंगे इसको और इम्प्रूव करेंगे कराची में। दिस वॉज वंडरफुल सक्सेस इसी सक्सेस को हम कंटिन्यू करेंगे अपने पास कराची में। वैसे क्या क्या मसाइल दिखाई देते हैं आमतौर पे जब जितनी मेरी डिस्कशन हुई कि पाकिस्तान के अंदर प्रिंट के हवाले से जितनी ड्यूटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मसाइल पैदा कर रही हैं? डेफिनेटली टैक्सेस डू प्ले अ पार्ट इन बोथ डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी बट आल्सो गिविंग अ ब्रेक इन द इकॉनमी। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू
say ki ji what is the current problems we are facing, and this platform is enhancing us to give us a better look into the economy also. पैपगई ने क्या रोल प्ले किया प्रिंट अगर इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात करें पैपगई के बनने के बाद क्या सूरत हाल हुई? पैपगई बहुत पुरानी एसोसिएशन है, इससे बनने से हमारे जो प्रिंटर्स के मसले हैं वो सामने आ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सामने लेकर आ रहे हैं हम मिलकर जो एक बेसिक एक तो टैक्सेशन हो गई और हमारी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स उसको हम लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हमने बकायदा कोर्स डेवलप किया है नेफटेक के साथ, हमने प्रिंटिंग का कोर्स डेवलप किया है और साथ और उसके एडिशनल कोर्सेज डेवलप किए हैं शॉर्ट कोर्सेज जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं नेफटेक के साथ और ये ऑल ओवर पाकिस्तान इम्प्लीमेंट होंगे। अच्छा ये कोर्सेज हैं कौन कौन से ज़रा थोड़े से बता सकते हैं? दिस इज़ ऑफसेट डाई कटिंग बाइंडिंग पेस्टिंग बुक मेकिंग पब्लिशिंग इंटायर वर्क्स। थैंक यू वेरी मच असीम सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।